ये पालतू हैं क्या? पैदा हो जाऊँ इन पे मैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं आपके लिए इसको बहुत ही यू नो करीब से शूट करना चाहती हूँ, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसने मेरे जैसा ऐनक पहन रखा है ना। सो दिस इज माई फर्स्ट व्लॉग, आई एम प्रज्ञा, आई लिव इन कानपुर एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कारगिल पार्क ऑफ कानपुर। देखिए अभी मुझे फ्रेजर्स वगैरह कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरे हाथ जो है वो कुल्फी बने हुए हैं। अभी जस्ट मैंने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर 60 डिग्री दिखा रहा है लेकिन इट्स फील लाइक कि 0 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। इतना ज़्यादा कोल्ड है कि मेरे सारे हाथ जो है बिल्कुल शिवर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। यू नो मुझे बार बार अपने हाथ जो है वो मेरी पॉकेट में डालने पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है यार। यू नो यहाँ आके मुझे कभी फील नहीं होता कि मैं कानपुर में आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पहाड़ों में या फिर यू नो झीलों के शहर में चली गई हूँ। इट इज़ सो ब्यूटीफुल यार, जस्ट लुक एट द होल व्यू। इतना कोल्ड वेदर होता है कि किसी की भी कुल्फी जम सकती है आसानी से, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा शिकायतें ना करिएगा कि मैंने ऐसी बनाई है वैसी बनाई, आप मेरी जगह होते ना बिल्कुल खड़े रह जाते बस। यार इतनी तेज़ यू नो हवा चल रही है, मुझे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा कूल हो रहा है। और पहली बात तो यह है मुझे आप लोगों से इंटरेक्शन करना ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे बोलूँगी क्या। आई एम सो सॉरी यार, इतनी प्यारी लोकेशन पे आई हूँ और मैं आपको कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ, आपसे कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे फर्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ यार, हर एक बात शेयर करना चाहती हूँ, बट प्लीज़ यू नो मुझको इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज़। I make sure if once I got used to talking to you and I never going to let you, you know, bore in my company. यहाँ ये टायरों के इन लोगों ने झूले बना रखे हैं और यहाँ पे हम झूलते भी हैं, बहुत मज़ा आता है। यू नो कारगिल पार्क में ये जो ये एरिया है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें आप देख सकते हो ये लॉयन बना हुआ है, ये इन लोगों ने टायर को काट काट के बनाया है। जितने सारे टायर्स वेस्ट हो जाते हैं ये लोग इसमें लगा देते हैं, बहुत ही प्यारा सा। देखिए कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, से लॉयन बना रखा है, फिर ये देखो इट्स लुक लाइक खजूर की ट्री, ये खजूर की ट्री की तरह लग रहा है। एंड देन ये हॉर्स है ये वाला, ओके, और दिस इज माई फेवरेट। मैं आपके लिए इसको बहुत ही यू नो करीब से शूट करना चाहती हूँ, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसने मेरे जैसा ऐनक पहन रखा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग वहां से चलना शुरू किए थे और यहाँ पे आ गए हैं, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमने इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर कर ली हैं, तो हम आगे और बढ़ते हैं, ठीक है? अरे वाह, झूले खाली मिल गए। नॉर्मली झूले खाली नहीं मिलते, आओ थोड़ा झूल लेते हैं इन पे। लाइफ के गार्डन में ऐसे बैठे हो और झूला झूल रहे हो, इसके अलावा और लाइफ में क्या चाहिए बताओ खुश रहने के लिए? ऐसा लगता है सब कुछ तो है, किस बात की कमी है? यू नो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं बहुत ज़्यादा यू नो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बातें करूँ क्या बातें नहीं करूँ। तो अगर यू नो मैं इसमें कुछ गलत सलत बोल देती हूँ, आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी यार, माफ़ कर दीजिएगा। जैसे जैसे आपसे बातें होंगी, सो आई एम ट्राइंग टू ओपन अप विथ यू गाइज। झूला झूलने के बाद हमने कर दिया है बाय, अब आगे की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। मैं ये मटके देख रही थी कि ये भी इन लोगों ने टायर से बनाए हैं यार, लोग कितने प्यारे लग रहे हैं एकदम गोलू मोलू चोलू से। ये भी टायर से बनाया हुआ है भाई, कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने। लुक एट दिस यार, मुझको क्या मिला, हाथी। हाथी को भी इन लोगों ने टायर से बनाया हुआ है, लेट्स गो ग्रीन।
यार इनकी ये स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगी, वाह यार कितनी प्यारी है। ओह ये क्या है, ये पता क्या है, ये है क्रोकोडाइल। ये रहे हमारे हाथी भाई साहब, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। यार यहाँ पे चीजें तो बहुत प्यारी प्यारी हैं, और मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ ना, क्या मिला मुझको देखो, ये इसकी शक्ल बताओ कैसी लग रही है, ये क्या आपको एलियन जैसा नहीं लग रहा है, इसको देखो दो मेरे जैसे। आई थिंक किसी चीज के फैन का वो अलग हो जाता ना उसको है आई थिंक। एंड इन लोगों ने देखो टायर की जो है बैठने का इंतजाम कर दिया है, टायर्स की सीट बना दी है जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है यार देखने में, और एक टायर्स घरौंदा टाइप बना हुआ है। फिर उधर आगे जो हमारी काफ़ी सारे झूले हैं अभी हम उनको चल के एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इन लोगों ने ये जो रोड बिछाई हुई है ये भी कटे हुए टायर से बिछाई हुई है, पूरे पार्क में है ओवरऑल, और यू नो चलने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गेस्चर देती है। यहाँ पे बहुत सारी डक्स भी रहती हैं और बहुत क्यूट लगती हैं, पर पता नहीं अभी मुझको दिख नहीं रही हैं कहाँ पे हैं अभी, आई थिंक ये सिर्फ उनके किड्स हैं छोटे छोटे, दिख रहे हैं आपको, ओ कितने क्यूट हैं। अच्छा ये देखिए मुझको इस पार्क में झूले भी लगे हुए हैं बड़े लोगों के लिए, तो मुझको सारी चीजें समझ में आई, लेकिन देखो इसमें आपको यू नो ऐसे चल के आप पैरों को आगे पीछे करते हैं, और इसमें आप साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, अगेन फिर से इसमें साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, उधर आप लटकते हो, हर चीज समझ में आई मेरे को। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो झूला है यू नो इससे क्या करते हैं, क्या इसको कोई कानपुर में यू नो ड्राइव करके ले जाते हैं क्या, आप ही देख के बताना, मुझको तो पता नहीं है ये कैसा झूला है और इससे होता क्या है, यू नो हाथों की एक्सरसाइज के लिए क्या, ट्रक ड्राइवरी के लिए है, यू नो ऐसे चलाओ लाइक दिस। यू नो वैसे तो इस पार्क की हर एक चीज बहुत ही अच्छी है, बट मेरे को जो सबसे यू नो सेकेंड नंबर पे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो ये है कि इसमें वॉल में देखो कितनी प्यारी पेंटिंग बना रखी है, जस्ट लुक एट द स्केचेस यार, सो ब्यूटीफुल।
वाली झील में स्विमिंग कर रही हैं। आंटी जी सेवा करती हुई, ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, यू नो। यार जी करता फिदा हो जाऊँ इन पे मैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे। मन करता है कि को घर पर उठा ले जाऊँ, बहुत सारी हैं देखो। यार मुझको ये बहुत पसंद है, इतनी क्यूट लगती है ना, बहुत अच्छी है। खोल दिए देखो, क्यूट लग रही है, बहुत सारी हैं। अरे ये पालतू हैं क्या? हजारों नहीं, लाखों में। लाखों में पूरे तालाब में है। अच्छा दिखती इतनी है।